नमस्कार सभी को, जय शंकर। इस समय आपको बता दूं कि मैं नेशनल हाईवे में हूं, जहां पर चलते ट्रक में जो है आग लग गई है। इस समय आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम आई है, पुलिस यहां पर आई हुई है और आग पर जो है काबू पाने का पूरा प्रयास इस समय किया जा रहा है। आपको बता दूं कि चलते ट्रक में जो है आग लग गई है। आग बड़ी भयानक थी और कनेक्टर ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से जो है बचाया गया है आग के चपेट में आ जाने से। नेशनल हाईवे का पूरी स्थिति है जो इस समय आप देख रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड यहां पर आई हुई है और आग पर पूरा काबू पाने का पूरा प्रयास इस समय फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे है जहां पर पूरी स्थिति है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची है जैसे ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और फायर ब्रिगेड की टीम आप देख सकते हैं यहां पर पहुंची हुई है। जिस तरीके से बड़ा भयानक जो है यहां पर आग लग गई है, आग पर जो है पूरा काबू जो है पा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है और कनेक्टर ड्राइवर की जान भी बाल बाल बची है। जिस तरीके से ये भयानक जो है ट्रक जो है राग का रुख जो है अपना चुकी थी, ये देख रहे हैं पूरे आग पर किस तरीके से काबू पाने का पूरा प्रयास इस समय किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से पूरा इंजन जो है किस तरीके से लाश हो चुका है और फायर ब्रिगेड पूरी कड़ी मेहनत करते हुए आग पर जो है काबू पाने का पूरा प्रयास इस समय किया जा रहा है और ट्रक को बचा भी लिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड जिस तरीके से यहां पर पहुंची है और स्थिति है, और मौके पर हमारी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस यहां पर आई है, ट्रैफिक विभाग यहां पर आई हुई है, टीम पूरी आई है और लोकल लोगों ने खासकर बहुत ज्यादा मदद की है। लोगों को यह कहना है कि जो यहां पर जिम्मेदार ढाबा है उन्होंने बड़ी ज्यादा मदद की है लोगों की। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित सिंह है। बात पूछूं सर, हम आ रहे थे तो बस देखा तो गाड़ी को आग लगी हुई थी। अच्छा, तो सर देखा तो आते लोगों ने बड़ी हेल्प की इनकी, तो उसकी वजह से थोड़ा बच गया ये ट्रक, तो नहीं तो खाक हो जाना था बिल्कुल। कैसे आग लगी तो जानकारी? सर पता नहीं बिल्कुल, ये आगे से ही लगी आग। अच्छा, कॉर्नर से। ड्राइवर भी है, मैं ड्राइवर से बात करूँ। तो क्या नाम है सर? रणवीर सिंह। इधर आओ। तो क्या बात है पूरी? बस एकदम ही मेला दा ताला शार्ट हुई है जी। अच्छा, अंदर धुआं ही धुआं हो गया जी। अच्छा, कोई नहीं दुसा एकदम अगो अग हो गई, फिर मैं छाल मार के थले उतर गया जी। कितने बंदे ट्रक च है? ट्रक च कितने बंदे है? कोई नहीं, कल्ले ही है जी। कल्ले के ही? हाँ जी। अच्छा, आग लगी को यही कहो भी बंदे थे तो जी इन्हें कंट्रोल कर ली, नहीं तो था औख जली जानी थी सारी। ए बंद ने पानी पुनी मार के हेल्प की थी। फायर ब्रिगेड फोन करो। क्या अपील करके सर लोग ठीक है? सर वैसे नुकसान तो हो गया इनका, अब वो तो गरीब बंदे बेचारे, ड्राइवर साहब है तो गाड़ी, और साथ में भैया जो परदेसी लोग हैं बेचारे, हम स्कूटी लेके आए थे और हम यही चाहते हैं कि इनकी बेचारों की जितनी भी हेल्प हो सके कर सके। गाड़ी का तो चलो इनका नुकसान हो गया, बाकी इनकी हेल्प जो मिल चुके कर सकते बंदा करे। हाँ देखेंगे जी, ये पूरा आगे का मैं विजुअल दिखाने का प्रयास करूँ, आगे तक दिखाए और कितना भयंकर जो है आग यहाँ पर लगी है और आग पर जो है काबू जो है पाया गया है। जिस तरीके से पूरी स्थिति इस समय आप जगह जगह के माध्यम से देख रहे हैं, बड़ा भयंकर जो है यहाँ पर आग लगी है। अभी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, आग पर जो है पूरा काबू पाने का पूरा प्रयास इस समय किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची हुई है, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, विजयपुर पुलिस भी आई है और यहाँ पर ट्रैफिक विभाग भी आई है। यातायात प्रभावित ना हो उसका पूरा जो है ख्याल रखा गया है। देखेंगे काफी आग जिस तरीके से लगी है, पूरा नुकसान यहाँ पर हुआ है और अभी भी जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है अंदर बैठ कर इंजन पर पूरा जो है पानी की बौछार जो है करते हुए नजर आ रही है, ताकि जो है ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों को जो है ज्यादा जो है परेशानी ना आए और आग पर जो है पूरा काबू पा लिया गया है। ये स्थिति है, देखेंगे ये पूरा जिस तरीके से। सर आप भी थे इधर और देखेंगे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ट्रैफिक विभाग भी यहाँ पर एकत्रित है। बिल्कुल सामने ही जुम्मेदार ढाबा है और उनका कहना है इन्होंने भी काफी ज्यादा मदद की है, इनकी मदद करने के लिए सामने आए। जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा भयंकर जो है आग लग गई है, ये चलता ट्रक है जहाँ पर शॉर्ट सर्कल हुआ इंजन में, जिसके कारण आग जो है इतना भयंकर जो है रूप धारण कर लेती है। उसके बाद तुरंत जो है जिम्मेदार ढाबा के यहाँ के लोग दौड़ते हैं,
स्थानीय लोग दौड़ते हैं, उसके बाद पुलिस तक बात पहुंचाई जाती है। मौके पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है, ट्रैफिक विभाग पहुंचती है, प्रशासन यहां पर पहुंचकर पूरी स्थिति को जो है संभालने का जो है पूरा प्रयास करती है, और खासकर हमारी फायर ब्रिगेड की टीम जो है तुरंत यहां पर पहुंचकर पूरी आग को जो है पूरा काबू पा लिया गया है। अपनी राय आप जगह जगह के माध्यम से दें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जयशंकर।